वरकातु यू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी ज़िंदगी ना पुरसाइश हो और उसका एक खूबसूरत सा फ्रेंडशिप सा घर हो जहाँ पे वो रह सके, क्योंकि घर की जो जीनत होती है वो बाहर उसकी शख्सियत पे वो चीज़ें असरअंदाज होती हैं। कहने को तो ईंटों की जो जगह है वो एक मकान होता है, मगर उसके मकीन जो होते हैं उसको वो घर बना देते हैं। एक खूबसूरत घर हर इंसान की जहाँ पे वो सोच की अक्कासी करता है, वहाँ पे हम इस वक्त शेखुपुरा में एक बहुत ही मशहूर जो ब्रांड है अर्बन टाइल, उसके शोरूम में मौजूद हैं। क्योंकि यहाँ पे हमने आपको दिखाना है कि अगर आप घर बना रहे हैं वहाँ पे आपने टाइलें कौन सी लगा सकते हैं, वहाँ के किचन को आप किस तरह खूबसूरत मेंटेन कर सकते हैं, इस तरह वाशरूम को आप किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। क्योंकि आजकल कुछ स्टाइल चल रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी सकाफत को मद्देनजर रख के बनाए जा रहे हैं और कुछ टर्किश स्टाइल है, कुछ चाइनीज स्टाइल है, मगर इस जगह पे खूबसूरत जगह पे हम आपको वो खूबसूरत स्टाइल दिखाएंगे। यहाँ के डायरेक्टर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, फैजान अली खान साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनके पास कौन कौन सी वैरायटी है, किस तरह की वैरायटी वो सेंट्री के वाले से, टाइल्स के वाले से और दीगर जो उनके पास वैरायटीज हैं उनसे हमें आगाह करें, ताकि हम अपने नाजरीन को हम दिखा सकें कि शेखुपुरा में इतने खूबसूरत किस्म के स्टाइल मौजूद हैं, इतनी अच्छी सी अर्बन टाइल की शॉप मौजूद है। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फैजान साहब क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं क्या? अल्हम्दुलिल्लाह। फैजान साहब है जी डायरेक्टर अर्बन टाइल शेखुपुरा के, तो नौजवान खून है, जज्बा लेके आए। तो फैजान मियां, इस फील्ड में जब आप आए कितना सा पहले आए? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं इस फील्ड में। मैं इस फील्ड में आने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन करता था, अभी भी कर रहा हूँ हाउसिंग की कंस्ट्रक्शन। शेखुपुरा में मैं देखता था कि इतना ज़्यादा काम इस फील्ड में नहीं हो रहा, हमें जाना पड़ता लाहौर या गुजरांवाला या दूसरे सिटीज़ में। तो फिर मैंने सोचा कि शेखुपुरा वालों को भी फैसिलिटी देनी चाहिए कि भाई वो अगर वो वहाँ से चीज़ें महंगी और फिर ट्रांसपोर्ट के अलहदा से खर्चे, फिर पता भी नहीं है प्राइसों का, वेरिएशन भी हो रही है। तो फिर इस लिहाज से फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे भी एक शोरूम बनाना चाहिए। जब आप शेखुपुरा की तरफ लाहौर से इंटर हो तो बिल्कुल आपके राइट तरफ अर्बन टाइल की ये खूबसूरत शॉप और ये शोरूम नजर आएगा। फैजान साहब हमें दिखाते हैं कि इनके पास कौन कौन सी वैरायटी है। फैजान मियां, आपके पास तो ये सेंट्री की अभी वैरायटी है, तो सेंट्री में आप कौन कौन सी चीज़ें और कौन कौन से ब्रांड आपने रखे हुए हैं? ये देखें जी, सबसे ज़रूरी आइटम है वॉशरूम की। लोग इस पर आके बहुत टाइम लगाते हैं कि हमने डिज़ाइन क्या करना है और ब्रांड कौन सा लेना है। इसमें जो सबसे अच्छे ब्रांड है मैं उन्हीं के साथ काम कर रहा हूँ। इसमें एक सुहेल सैनिटरी है, बहुत अच्छा काम कर रही है, टोटल ब्रास में है और इनकी वारंटी है हर तरह से, 5 साल की। इसकी कोई भी चीज़ ख़राब हो जाए तो इसकी फिक्सेशन किया या फिर हम एक्सचेंज करवा देते हैं उनको, जो भी लेट से अगर ये मिक्सर ख़राब हो गया तो फिर हम इनको कंपनी से नया मिक्सर मंगवा के देते हैं, रिप्लेस करवा देते हैं। और मास्टर ताज नहीं है किसी भी तारुफ का, बहुत अच्छा काम करते हैं, इनकी भी वारंटी है, क्लेम है, कॉल करें अगर कोई मसला हो जाता है तो कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ना पाकिस्तान, पाकिस्तान से बाहर भी लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इनकी कीमतों में सबसे पहले जो भी फैमिली है, चाहे वो छोटा घर बना रही है, बड़ा घर बना रही है, उसका सबसे पहले यही मुतालबा होता है कि इनकी प्राइस, इनकी प्राइसेस जो है ना वो डिज़ाइन वाइज, मटेरियल वाइज उन्होंने इस तरह के ब्रांडिंग की हुई है कि भाई कोई भी अगर क्लास है तो वो उसके अंदर आ जाती है, इसलिए वो मसला नहीं है। जिसने जितना गुड़ डालना है उतना उसको मीठा मिलता है। ये है आपके पास 76+ है, 6434 रुपए में ये आप दे रहे हैं, तो कितना डिस्काउंट करेंगे मुझे? आपको तो मैं अराउंड 20-25% डिस्काउंट दे दूँगा। चलें जनाब, यू पंजाब की वसात से हम आपको बता रहे हैं कि 25% तक ये डिस्काउंट दे सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बाकी ये देखें, ये कुछ चाइनीज़ आइटम्स भी हैं मेरे पास और इसमें और भी मेरे पास वैरायटी पड़ी हुई है, तो ये भी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ हुआ है। इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि ना चाइना ये वापस जाएगा ना इधर चाइनीज़ बैठे हुए हैं, लेकिन ये भी अभी तक कोई क्लेम नहीं आया, मतलब चीज़ अच्छी बनाते हैं तो इसलिए ये डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट मामला है। अभी टर्किश भी मेरे पास एक दो ब्रांड पड़े हुए हैं। टर्किश है आपके पास? मैं आपको ये दिखाता हूँ, मैं आपको ये दिखाने लगा था कि इसमें अब ये सिरेमिक्स में अब ये टर्किश ब्रांड की मेरे पास कंसील्ड टैंक है। आजकल ये भी कुछ ज्यादा काम हो रहा है, कंसील्ड वायरिंग हो रही है, मेरे पास कंसील्ड में भी कुछ सेट्स पड़े हुए हैं मास्टर के, तो कंसील्ड में ज़्यादा आजकल हो रहा है, कोई वायरिंग नज़र नहीं आ रही, पाइप नज़र नहीं आ रहे, सब कुछ दीवार में फिक्स हो गया। अगर किसी को 10-15-20-30 जो चीज़ें चाहिए हमें पता होता है कि भी हम उसको अगले दिन डिलीवर कर देंगे। फैजान, और हमें क्या दिखाएंगे? अब मैं आपको कुछ टाइल्स से शुरू करता हूँ। ये टाइल्स हैं, ये किचन के कुछ मोटिव्स लगे हुए हैं और ये किचन के उस स्लैब के ऊपर 2 फुट की जगह नॉर्मली होती है,
तो वहाँ पे ये टाइल्स वगैरह लगती है। मगर आमतौर पे कोई भी फैमिली हो, चाहे वो नॉर्मल रेंज में हो या रिच फैमिली हो, वो सबसे पहले मकान बनाने के बाद दो चीज़ों पे फोकस करती है, एक किचन और दूसरा वॉशरूम। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो किचन में मैं वही बता रहा था कि ये लोकल टाइल है लेकिन मैन्युफैक्चर्ड बाय चाइनीज, हमारे पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम है। रंग वगैरह खराब तो नहीं होते इसके? नहीं नहीं, इनके कोई नहीं। हमें अब कंपनी ये कहती है कि भाई 30 साल तो इनको कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, तो वो एक लंबा पीरियड है 30 साल। बंदा बूढ़ा हो जाता है, बंदा बूढ़ा हो जाता है और फिर वैसे बोर हो जाता है। नए घर, नई चीजें, नई टेक्नोलॉजी आ जाती है। ये वॉशरूम है डिस्प्ले हुए हुए, वॉशरूम की भी कीमतें और इनकी क्वालिटी साइज पे मैटर करती है। अब ये 1232 की ओरियल की टाइल है, वो आगे मास्टर की लगी हुई है, वो मेंते कंपनी की है, कुछ इसमें वो देखो चाइनीज मोटिव है। अब वॉशरूम की आप बात कर रहे थे, तो वॉशरूम में अब ये एक मोटिव भी तकरीबन अराउंड 4,000-5,000 रुपए का ये मोटिव है। तो अगर यही अगर हम वॉशरूम में 10-15 लग जाए तो अच्छी खासी कीमत बन जाती है। अब ज्यादा फोकस वॉशरूम में नो डाउट हो रहा है। ये टाइल्स है हमारे पास फ्लोर की लगी हुई है, फ्लोर में मेरे पास ये स्लाइडर्स भी फ्लोर में लगे हुए, तो इसमें भी अच्छा, इसमें भी वो वैराइटीज हैं कि आप अगर घर के अंदर दाखिल हो रहे हैं, गैराज में कुछ और हो टाइल, ठीक है, अंदर जाएं आप तो वहाँ पे और हो, रूम्स में जाएं वहाँ पे और हो, वॉशरूम में और हो, इसी तरह सीढ़ियाँ पे चढ़ रहे हैं तो उसकी और हो, इसी तरह। बिल्कुल, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये देखें, सारी ये फ्लोर की टाइल मैंने डिस्प्ले की है। इसमें साइजेज हैं, ये तकरीबन 2 फुट बाय 4 फुट की टाइल्स है। ये आजकल ज़्यादा इन है जिसमें ये वाइट क्रैकर है थोड़ा बहुत, ये ब्लैक में है, ग्रे में है, आइवरी में भी हो मेरे पास अंदर, फ्राइडर में होगा। ये 2x2 है। ठीक है, आप अपनी वैरायटी देखते हो कि अगले की जेब भी देखते हो? नहीं, हम लोग उसको हर तरह से गाइड करते हैं और मीनवाइल हमें आइडिया हो जाता है कि भी ये किस बजट में टाइल लेना चाह रहा है। मैंने बड़े बड़े अच्छे लोग देखे, लेकिन एरिया भी डिपेंड करता है ना कि अब टीवी लाउंज है तो, और वो आके मुझे ये कहे, और हम लोग उसे कुछ और दिखाना शुरू करते हैं। जैसे ये छोटी टाइल भी 16x16 में मेरे पास पड़ी हुई है पॉलिश में, ठीक है, तो वो ये सूट नहीं करती। उसके लिए फिर हम उसको गाइड करते हैं, उसे बताते हैं कि आजकल ये फैशन है ना, क्योंकि एक आम बंदे को तो पता ही नहीं है। उसे ठेकेदार ने कहना भी कल टाइल लगनी है, टाइल लेके आओ, उसे पता ही नहीं होता मैंने क्या लेना है क्या नहीं लेना। फिर हम लोग उसे गाइड करते हैं, मेरे पास सर्विसेज हैं, लड़कियाँ मौके पर जाते हैं, साइट देखते हैं, पैमाइश लेते हैं और फिर हमें हम उसको आइडिया देते हैं भी आपकी इतनी टाइल लगनी है। अगर वो हमें कहे कि भी मुझे बजट बना दो, फिर हम उसे बजट बनाते हैं। बाकी ये देखें, ये है जो आप पूछ रहे थे कि ये कुछ आइटम्स हैं इधर लगी हुई हैं, ये हैं गैराज की आइटम्स। ठीक है, तो गैराज में नॉर्मली बल्कि मैट टाइल ही लगती है, क्योंकि मैट टाइल पे ज़्यादा चलना और फ्री वाला एलिमेंट नहीं होता। और पॉलिश टाइल जो है वो रूम में और अंदर जितना भी कवर्ड एरिया होता है उसमें वो लग जाती हैं। आपके पास माशाल्लाह इतनी बड़ी वैरायटी है, तो इबादत गाहों में जिस तरह मसाजिद हैं, इस तरह की और इबादत गाहों में भी आपके पास किस तरह की वैरायटी है? अभी आपसे, आपके आने से कुछ देर पहले ही मुझे एक मदरसे से फ़ोन आया हुआ था, तो वो भी मुझसे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी की टाइल मांगे। तो वो भी डिपेंड करता है कि उनकी दीवारों पे लगनी है, उन्होंने फ्लोर लगाना है, उन्होंने वॉशरूम में लगानी है, उन्होंने सामने किबला वाली साइड पे लगानी है, तो हर तरह की हमारे पास वैरायटी मिल जाती है। अब ये देखें, ये कुछ टाइल्स हैं इसी तरह, ये भी आप देखते होंगे मसाजिद वगैरह में या घरों पर माशाल्लाह वगैरह। तो हर तरह की चीज़ें, हर तरह की एलिमेंट जो है ना, वो हमारी कोशिश है कि जो रनिंग में चीज़ें वो हम लोग कस्टमर को। माशाल्लाह जी, ये ना फिजान काफ़ी स्कोप इस मामले में रख रहा है, और बिल्कुल ये मैंने जो अब तक ऑब्जर्व किया, फिजान अर्बन टाइल के माशाल्लाह जहाँ पे डायरेक्टर है वहाँ पे अपने क्लाइंट्स की भी जो है ना, उनको भी ना मद्देनज़र रखता है कि वो किस तरह उनको गाइड करना है। और मैं अपने शेखुपुरा से बाहर और पाकिस्तान से बाहर जितने भी मेरे यानी शेखुपुरा हैं, उनको बताना चाहूँगा कि ये नौजवान इस फील्ड में आया है, हौसला अफजाई करनी चाहिए। जब भी आप घर बनाएं, ओपिनियन फिजान से ज़रूर ले लें, ताकि आपको पता चल सके दूसरे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो हमारा शेखपुरा का ये नौजवान है, इतना पढ़ा लिखा बंदा है, ये हमें कैसे गाइड कर रहा है। अब ये देखें, ये मैं आपको बता रहा था कि कुछ आजकल लोग ज़्यादा मॉडर्न जब घर बनाते हैं तो वो फ्रंट पे टाइल्स लगाते हैं, तो ये वो चीज़ें हैं, पुराने कल्चर को भी मद्देनजर रखते हैं। बस वो डिपेंड करता है कि अगर ये, मतलब मैं आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ ना, तो वो कुछ 3-4 किस्म की टाइल लगा के तो उसको खूबसूरत बना लेते हैं। जैसे ये देखें, मतलब ये बहुत अच्छा है, ऐसे ही है, ये देखें, सो नाइस। तो इसके अलावा और काफ़ी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। वॉशरूम्स हैं, वॉशरूम्स भी इसी तरह हैं, इसमें कुछ साइज छोटे हैं, छोटों की मतलब इसमें प्राइस का मैटर होता है कि जो प्राइस, जो टाइल छोटी है उसकी प्राइस थोड़ी कंपैरेटिवली कम होती है। और
ये देखें, ये कुछ मास्टर टाइल्स के आर्टिकल हैं, बहुत खूबसूरत आर्टिकल हैं इनमें। ये वैनिटीज हैं जी, आजकल बेसन की जगह पे ये काफ़ी इन है, खूबसूरत खूबसूरत भी लगती हैं और टाइल के साथ इनके कलर भी मैच हो जाते हैं। अगर किसी ने ग्रे लगानी है, वाइट लगानी है, ये ब्लैक में है। और ये भी बड़ी खूबसूरत चीज़ है, ये भी आजकल बाउल्स और ये वैनिटी बड़ी इन है। इनके खूबसूरत से ये फॉसेट्स हैं, ये भी कुछ ये चाइनीज है ज़्यादा इनमें। कुछ फ्लोर में इसमें वैनिटीज होती हैं, कुछ वॉल हैंग होती हैं, तो और ये भी फ्लोर में, इनके भी डिफरेंट साइजेज हैं। वॉशरूम के साइज के मुताबिक हम लोग उनको आइडिया दे देते हैं, कस्टमर को खुद भी इस चीज़ का आइडिया होता है कि वो कौन सी लेना चाह रहा है। इसी तरह ये भी फॉसेट्स हैं, ये भी उस वैनिटी की पे ही लगते हैं। वैनिटी बाउल्स भी हैं उधर, वैनिटी बाउल्स पे भी ये चीज़ें लगती हैं, यही आजकल। और ये देखें कुछ, ये भी आपको मैं दिखा रहा था कि ये भी इम्पोर्टेड में वॉल हैंग वॉशरूम्स की आइटम है, कमोड्स हैं, तो ये चीज़ें सारी वॉशरूम्स की आइटम्स हैं। चलें जनाब, अर्बन टाइल शेखपुरा के शोरूम में हम मौजूद हैं, हमारे साथ डायरेक्टर फैज़ान खान मौजूद हैं और जो हमें प्रॉपर गाइड कर रहे थे, और मुझे क्या गाइड कर रहे थे, पाकिस्तान पाकिस्तान से बाहर रहने वाले बिलखसूस अहलान शेखपुरा को ये बता रहे थे कि उनके पास कौन कौन सी वैरायटी है। हर घर खूबसूरत हो और हर इंसान की ख्वाहिश होती है उसको खूबसूरत बनाने में, जहाँ इंसान करदार अदा करता है वहाँ पर उस वैरायटी जो वहाँ पर लगी हुई है उसका भी ना बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये एक हम कोशिश की कि हम अपने नाज़रीन को जहाँ पे दूसरी वीडियोस दिखाते हैं वहाँ पे अपना घर खूबसूरत बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पे लगाई जाएँ, उनके कौन कौन सी वैरायटी वो भी दिखाएं। आपको रिपोर्ट अच्छी लगे ज़रूर शेयर भी कीजिएगा, यू पंजाब को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सपोर्ट के साथ ही मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ को शेखपुरा अर्बन टाइल से इजाज़ दीजिएगा। अल्लाह ने ज़िंदगी दी, सांसों ने सांसों के साथ वफ़ा की, तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में नई वीडियो से दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह ने के पान, पाकिस्तान जिंदाबाद।